तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब मेरे प्यारे यूट्यूब वासियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट ब्लॉग्स बाय शिवम बख्शी का मैं। तो आज जा रहे हैं हम कालाकोट। जैसे कि आप सबको पता है कि दो दिन से जो है कालाकोट में जगह भूल गया, कौन सी त्रियाठ के कौन सा सुजानी गाला में जो है एनकाउंटर चल रहा है, नारला बंबल में जो है एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें अभी तक जो है एक जवान हमारा वीरगति को प्राप्त हो चुका है और कुछ अन्य जवान जो हैं घायल हैं, जिसमें एक स्निफर डॉग जो है शहीद हो गया, जो जिसका नाम केंट था, जो आर्मी पीआरओ ने बताया कि फीमेल डॉग लैब्राडोर था जो केंट जिसका नाम था। तो 6 साल से वो जो है आर्मी में था, अपनी सर्विस दे रहा था, तो वो वीरगति को प्राप्त हो गया। तो दो मिलिटेंट जो दो आतंकी हैं वो मार गिराए हैं हमारे सुरक्षा बलों ने। ये बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। पिछले काफ़ी दिनों में जो है एनकाउंटर में काफ़ी मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। दो मिलिटेंट जो मारे गए थे गुंडाखवास, उसके बाद दो ये और मारे गए हैं, दो जो रियासी में मारे गए थे, यानी अभी तक एक महीने में 6 मिलिटेंट जो है मार दिए गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं कालाकोट वाली साइड, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मेरे साथ गगन भैया भी हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो इनका ये आप देख सकते हैं, कालाकोट है 18 किलोमीटर यहाँ से। अब हम कालाकोट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके बाकी बताते हैं कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और क्या कुछ रिकवरी हुई है, बाकी जो भी डिटेल है वहाँ जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहे हम ब्लॉग के साथ। ये आप देख सकते हैं राइफलमैन रवि कुमार, जिसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। रैथलिंग सेरेमनी हो रही है जो जारी है। ये आप देख सकते हैं कि मार्टियर टेंट जो स्निफर डॉग है, जिसको अंतिम विदाई दी जा रही है नम आंखों से। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कालाकोट। आप देख सकते हैं ये सभी बैठे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारा अपना जो कैमरेज हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, लोगो इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पे ही हैं, तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने जा रही है, तो आप बने रहें। ये आप देख सकते हैं कि जो मारे गए आतंकी हैं, दहशत गर्द हैं, उनसे जो हथियार, गोला बारूद या अन्य सामग्री जो है बरामद की गई है, ये वो डिस्प्ले की जा रही है। उसमें दो AK राइफल्स हैं, कुछ एम्यूशंस हैं, खाने पीने का सामान है, वो भी काफ़ी चीज़ें जो हैं उनसे बरामद की गई हैं। आपका शुक्रगुजार करता हूँ। और इससे पहले कि आज के ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊं, मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन की सक्सेस की नींव आज नहीं गड़ी गई है, इसे 2 महीनों की लगातार मेहनत, जिसमें शामिल इंडियन आर्मी, CAPF, JKP के बहादुर जवान, SOG और इनके द्वारा लगातार बनाया गया प्रेशर, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट है उनको ये मजबूर हो गए थे कि जो बस्ती वाले इलाकों को छोड़ के जंगल के अंदर छुपने की जरूरत पड़ने लगी। और ये बहुत ऑपरेशन की वजह से लगातार सक्सेस की वजह से 4 सितंबर को हमको पहला सक्सेस मिला था, और उसी सक्सेस के बाद 20 जिसमें एक प्रदेश की न्यूटिलाइजेशन की गई थी, बाकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर लगातार 35 की यहाँ पर बिल्डिंग का बिल्डअप किया गया और ऑपरेशन जोरों से इस इलाके में लॉन्च किया गया। ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे, ये सारे भारतीय सेना के, JKP के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, ये सारे मोबिलाइज हुए थे बड़े सुयोजित तरीके से, बड़े प्लान तरीके से इनको इम्प्लॉय किया गया था। और इसी समय करीबन हमको 1-2 साइटिंग्स की खबर आई थी, जो कि हमको लोकल पॉपुलेशन के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी। खराब मौसम, टफ टेरेन, इन सब के बावजूद ये ऑपरेशन चलते रहे, और इन्हीं समय के बीच में करीबन
तारीख को हमको पहला खबर मिला कि एक मूवमेंट नोटिस की गई थी, और इस खबर के आधार पर हमने जब पुष्टिकरण किया तो ये कंफर्म हुआ था कि टेररिस्ट मूवमेंट था, और तुरंत सारे संगठन तुरंत एक्टिवेट हो गए और ऑपरेशन को हम एक अच्छे कारगर तरीके से इसको आगे हमने बढ़ाना शुरू किया। और इस ऑपरेशन की शुरुआत जो कि 7 तारीख को हुई थी, उसकी पुष्टिकरण एक और सोर्स हमको उसी शाम को मिली थी, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एक डोमिनेशन प्लान बनाया गया सारे सिक्योरिटी एजेंसी को शामिल करके। और इसके वजह से सबसे पहले हमको 11 तारीख को सफलता मिली, जिसमें हमको एक हमारे दस्तावेज को हमारे एक दो सखिया हरकत का सामना करने का मौका मिला। हमारे पेट्रोल ने जब जानकारी हासिल की, बाकियों को भी चेतावनी दी गई, और इस दो मूवमेंट के जो चैलेंज थे आपके अनुभव के आधार से हमको लगा था कि यस कोई हमको लाइसेंस मिलेगी तो हम ट्रैकर डॉग इस्तेमाल करके टेररिस्ट के बहुत नजदीक पहुंच पाएंगे, और ये निर्णय अच्छा था। और हमारा आर्मी डॉग टेंट और उनके हैंडलर हमारे ऑपरेशन को एक तरीके से लीड कर रहे थे। शुरुआत में ज्यादा ट्रेल हमको नहीं मिला क्योंकि बारिश की वजह से सेंट इतनी नहीं आ रही थी, बट बाद में हमको जब पार्टी और आगे बढ़ने लगी तो ट्रेल हमको मिला, और हमको ब्लड के ड्रॉप्स भी मिले, जिसको लेके हमारा सिपाही आर्मी डॉग टेंट और आगे नजदीक गए, और जब बहुत क्लोज आगे थे टेररिस्ट के छुपाव के लोकेशन में, तो 15 मिनट का समय था, और इस फायर के प्रभाव से टेंट और उनके हैंडलर दोनों को चोट लगी। इसके बावजूद हमारा होना सक्सेना सिपाही आर्मी डॉग टेंट वो अपने हैंडलर के साथ इकट्ठा मौजूद रहा, और बाकी पार्टी ने तुरंत ही टेररिस्ट को एंगेज करना शुरू किया ताकि उनको कहीं भागने का मौका ना मिले। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे सिपाही आर्मी डॉग टेंट का ध्यान हो गया। इसके अलावा हमारे 3 सोल्जर्स को भी चोट लगा था, और एक एसपीओ ऑब्जेक्ट भी उनको भी कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के दौरान चोटग्रस्त हुए, उनको तुरंत ही इवैक्यूएशन कराया गया और उनको सुरक्षित अस्पताल भेजने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे 1 सोल्जर रवि कुमार उनका निधन हो गया ब्लड लॉस की वजह से, काफी कोशिश के बावजूद इंजरीज की वजह से उनका ध्यान हो गया, बट बाकी जो चोटें थे उनकी देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है और बिल्कुल सुरक्षित है। जब प्रक्रिया की गई जिसमें एक और दूसरा टेररिस्ट, क्योंकि पहला टेररिस्ट पहले रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि की कर दी गई थी, और दूसरा टेररिस्ट सुबह कॉन्टैक्ट करने में दर्द शुरू हुआ, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जब ऑपरेशन लॉन्च किए गए तो दूसरे टेररिस्ट को मार दिया गया। और इस ऑपरेशन में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट उनके साथ 2 AK-47 भारी मात्रा में युद्ध का सामान और अन्य सोर्स का भी रिकवरी कर दिया गया। मैं डॉक्टर हसीम मुगल साहब को अनुरोध करूंगा कि आपको संबोधित करें, आपने बातें हमको बताएं। थैंक यू। इसकी डिटेल जो है हमारे साथी ब्रिगेडियर साहब ने आपको बता दी, मैं ज्यादा डिटेल ना बताते हुए एक चीज को ही बताना चाहूंगा कि जैसे ये सिविल पॉपुलेशन जो है बढ़ चढ़ के जो सामने आ रही है और हमारी मदद कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिविलियंस को ही हम ये चीज बताना चाहते हैं कि पीस इज प्रॉस्पेरिटी, और इस पीस को रेस्टोर करने में हमारी मदद करें और हम पर पूरा विश्वास रखें। और इस ऑपरेशन की जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसमें इंडियन आर्मी थी और हमारे साथ CRPF के भी जवान खड़े थे, और JK पुलिस का एक बहुत ही जबरदस्त तालमेल था, क्योंकि जो मौसम और हालात और जो वहां पे ग्राउंड था उसकी जो सिचुएशन आप में से काफी साथियों ने देखी, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का ये ऑपरेशन था, जो तकरीबन चल तो काफी एक हफ्ते से उसको ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन पिछले 3 दिन में जो बारिश का और मौसम के बावजूद ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल कल्मिनेशन पे हुआ, तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा कि आगे भी हम चल के साथ चल के इस तरह की जो भी टेरर इंसिडेंट्स हैं या टेरर एक्टिविटीज हैं उनको हम चेक कर सकें, और हम लोग जो है इस इलाके में पीस रेस्टोर करने में जो है आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे इतना ही बताना है, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके अब आ चुके हैं हम गाड़ी के पास। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं काला कोट का ग्राउंड है, ये बच्चे खेल रहे हैं, तो अब चलते हैं गाड़ी में। बहुत गर्मी है काला कोट में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चलते हैं गाड़ी में, थोड़ा ठंडा गर्मी में ठंडक का एहसास लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं राजौरी के लिए। A few moments later. तो फ्रेंड्स, रात के 10:45 बज रहे हैं, अभी न्यूज़ रूम आया था क्योंकि न्यूज़ किसी ने नहीं बोली, तो अब जस्ट न्यूज़ बोल के अभी फ्री हुआ हूँ, तो अब कुछ काम था पेंडिंग, ये देख रहे हैं भैया बैठे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमने RPR न्यूज़ बुलेटिन आज बोल दिया है, मतलब लेट आवर बोला है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है आज बहुत बड़ा लॉस हो चुका है हमारे जम्मू कश्मीर में, एक कर्नल सर और मेजर सर और उसके साथ DYSP ऑफ पुलिस, और ये
तीनों जो है वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। मेरी तरफ से जो है और मेरी YouTube फैमिली की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इस तरह की घटना होना मतलब अच्छा संदेशा नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि एक CO रैंक ऑफिसर, उसके बाद मेजर, उसके बाद DYSP जो है शहीद हो गए हैं। उसके साथ साथ जो हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे रवि भाई के लिए जो कल राजौरी मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, शत शत नमन इन वीरों को जिन्होंने हमारी भारत माता के लिए जो है बलिदान दिया। और उन आतंकियों के लिए ये चेतावनी के हमारे भारत पे, हमारे जम्मू कश्मीर पे ऐसी निगाहें रखना छोड़ दो, नहीं तो आपका अंत बुरा होगा। जिस तरह से आज दो आतंकी जो है मौत के घाट उतार दिए गए हैं, कुत्ते की मौत जो है मार गिराया गया हमारी भारतीय सेना ने, तो इसी तरह से आपको ये चेतावनी हमारी भारतीय सेना की ओर से कि हमारे जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत पे नजर रखना छोड़ दो, नहीं तो आपको कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये मेरी और मेरी भारतीय सेना की तरफ ये चेतावनी आप समझ लो। ये मेरा पाकिस्तान के साथ साथ उन आतंकियों को ये संदेश है जो पाकिस्तान के उस पार बैठ के इस तरह की साजिशें रच रहे हैं और जो अपने कायर आतंकी हैं उनको इस पार भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए संदेश है कि आप सुधर जाओ, बाज आ जाओ, नहीं तो मौत के घाट उतारे जाओगे अगर आप भारत की नियंत्रण रेखा के इस पार आए तो। ये आप देख सकते हैं जो मार्टियर DYSP हैं आयुन भट्ट जी हैं, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है DGP जम्मू द्वारा, और ये उनके फादर हैं जो उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा आज दिन भर का ब्लॉग, बड़ा ही दुखद था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारी कैजुअल्टीज़ जो हुई हैं, जो हमारे जाबाज ऑफिसर्स हैं, जाबाज सिपाही हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हमारे देश की खातिर उन्होंने बलिदान दिया है, हम चैन की नींद सोए उस वजह से उन्होंने जो है अपनी कुर्बानी दी है। तो ये ऐसे वीरों को शत शत नमन जिन्होंने आज दिन तक हमारे देश की खातिर जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, और ऐसे वीरों को नमन, शत शत नमन, कोटि कोटि नमन जिन्होंने हमारे देश की खातिर जो है हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दिया, अपने घर वालों की परवाह ना करते हुए भी इन कायर आतंकियों से लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे जाबाज बेटों को, ऐसे जाबाज सिपाहियों को, ऐसे जाबाज वीरों को मेरी और मेरी YouTube फैमिली की तरफ से शत शत नमन है। तो प्लीज फ्रेंड्स, प्रे कीजिएगा कि इनकी फैमिलीज़ को इतनी सहानुभूति मिले कि वो इस सदमे से बाहर निकलें और ऐसे जाबाज एक नहीं 100 जाबाज पैदा करें ताकि इन कायर आतंकियों को जो है खात्मा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। लेकिन बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जाबाज वीर जो हैं आज शहीद हो चुके हैं।